हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीटा अरोरा रेसिपीज चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल मूंग दाल चीला, या फिर आप इसे मूंग दाल डोसा भी कह सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मूंग की धुली दाल ली है। इसे हमने पहले अच्छे से धो लिया है 2 से 3 बार। उसके बाद हमने इसे पानी में भिगो कर रख दिया था तकरीबन 4 से 5 घंटे, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। और अब हमने इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इसे पीसते समय हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस जितना ज़रूरत हो पीसने में हम उतना ही पानी डालेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च, ये छोटे साइज़ की हैं, अगर आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास साबुत लहसुन है तो आप साबुत डाल लें, या फिर आप इसे ना डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास साबुत अदरक है तो आप साबुत भी डाल लें। और इन सबको हम बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे, यानी इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। हमने इन्हें बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है। इसकी कंसिस्टेंसी इस समय बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही 1 चम्मच बेसन डालकर इसे अच्छे से वापस मिक्स कर लेंगे। और ये बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है, इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। साथ ही 1 चुटकी हींग डालेंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, और इसे हल्का सा भुनने देंगे। जीरा भुन गया है, अब हम इसमें 1/2 प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया है डाल देंगे। साथ ही 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। हमें इसे सिर्फ 1 मिनट ही अच्छे से भूनना है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच बारीक कटी हुई गाजर डाल देंगे। साथ ही थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, आप लाल या हरी कोई सी भी डाल सकते हैं। साथ ही 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। इन सब्जियों को कुछ सेकेंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। और अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। साथ ही 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च पाउडर डालेंगे। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, या फिर 1/2 छोटी चम्मच। और 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, और इन सबको हल्का सा भून लेंगे। गैस का फ्लेम इस समय लो रखेंगे, और हमें इसे कुछ सेकेंड्स ही भूनना है। अब हम इसमें 1/2 कप उबले हुए मटर डाल देंगे, और 4 से 5 उबले हुए और मैश किए हुए आलू डाल देंगे, और साथ ही 1/2 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाल देंगे, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पत्ता गोभी हमने बाद में डाली है, क्योंकि पत्ता गोभी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, और हमने सब्जियों का क्रंच इसमें हल्का सा रखना है, इसलिए हमने इसे बाद में डाला है। अब हम इसमें 1/4 कप हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ, और साथ ही थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे। आप नींबू के रस की जगह अमचूर या फिर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा आलू का चटपटा मसाला बनकर तैयार है। अब हम एक नॉनस्टिक तवा गरम कर लेंगे। इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे, और इसे हम टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे पहले। और अब 1 कड़छी बैटर इसके ऊपर डालेंगे, और इस तरह से इसे बाहर की तरफ फैलाते हुए इसका एक पूरा चीला बना लेंगे। और ये हल्का सा नीचे से सिक गया है, तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। पहले हम चारों तरफ से इसके किनारे छुड़ा लेंगे इस तरह से, और फिर इसे पलट देंगे। जब ये हल्का सा पक जाए तभी आप इसे पलटें, अगर ये कच्चा होगा तब आप इसे पलटेंगे तो ये टूट भी सकता है। और अब हम इसे नीचे से भी सिकने देंगे इस तरह से। गैस का फ्लेम हम इस समय मीडियम टू हाई रखेंगे। और ये देखिए नीचे से भी सिक गया है, तो अब हम इसे वापस पलट देंगे। और इसके ऊपर 3 से 4 चम्मच आलू का मिक्सचर रखेंगे इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी आलू भुजिया डाल देंगे, या आपके पास कोई भी नमकीन हो घर पर तो आप वो डाल सकते हैं इसके ऊपर। थोड़ी सी धनिया पुदीना की चटनी डालेंगे, और थोड़े से अमचूर की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, या फिर इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी डाल लेंगे। और इन दोनों चटनीज़ की रेसिपी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे।
और लीजिए हमारा स्ट्रीट स्टाइल मूंग दाल चीला बनकर तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे एक बार घर पर बनाएंगे तो बच्चे बाज़ार के बर्गर और पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे, और ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल रीटा अरोरा रेसिपीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और पास ही लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और नई नई रेसिपीज़ के लिए।